हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम प्रगति। और यार, आज का वीडियो अगेन एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है ट्रेलर पर, जो कि नया ट्रेलर आया है राणा दग्गुबाती का। सो इसका नाम है कादन, और इसमें जो स्टारिंग है वो हैं राणा दग्गुबाती, विशाल विष्णु, जोया हुसैन एंड श्रिया। सो चलो देखते हैं कैसा ट्रेलर। राणा दग्गुबाती की एक्टिंग तो लिटरली इतनी अमेजिंग एक्टिंग करते हैं। बाहुबली में जो उन्होंने मतलब एक्टिंग करी है ना, जो उनका हमने रूप देखा है, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। सो चलो देखते हैं ये वाला ट्रेलर कैसा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। सो चलो साथ में मिलकर वीडियो देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। काफी नया लुक है, जंगल का, पूरा जंगल के ऊपर मूवी आने में। ओ क्या भागे हैं। बंद कर दिया है। बिगेस्ट बैटल। जो स्टोरी लाइन है ना, वो इतनी धांसू है, मतलब कि देखकर एकदम दिल खुश हो गया। क्योंकि एंड आई मस्ट से कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो स्टोरी लाइन्स लेकर आते हैं, मतलब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, यू नो, एक तरह से एक आपको इन्फॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, इस तरह की एक तरह से सीख देते हैं आपको। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पूरी एलिफेंट्स के लिए है, मतलब जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि यार अगर पूरे जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे। जैसे हम लोगों के घर होते हैं तो उनके भी तो घर जंगल होते हैं ना। सो अगर वहाँ से सब प्लांट्स हट जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तो वो लोग कहाँ रहेंगे। सो बेसिकली स्टोरी पूरी इर्द गिर्द घूम रही है हाथी, जंगल, इन सब के। और राणा दग्गुबाती ने एक ओल्ड एज का एक्टिंग की है, मतलब एक रोल प्ले किया है, जो कि बहुत धांसू लग रहा है। उनके ऊपर जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब वो
ऐसा बोलते हैं कि वो अपने हाथियों को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक जंगल में एक हाथी रहेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। सो मतलब जो उनका बॉन्ड दिखाया है, जो उनका प्यार दिखाया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है एलिफेंट्स के साथ। और अपने बेटे को भी यही सीख देते हैं कि तुम बड़े होकर हाथियों की हेल्प करना, उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना। सो जो उनकी एक तरह से ना उनका जो दादाजी भी उनके ऐसे ही थे, सो मतलब एक तरह से ना एंसेस्टर उनका वहीं से चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, कि वो जंगल में रहते हैं और एलिफेंट से प्यार करते हैं, एनिमल्स को प्यार करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो बीच में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो वहाँ पे प्लांट वगैरह ओपन करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जो मिनिस्टर वगैरह दिखाया है वो भी 7 किलोमीटर की दीवार से वो सीधा 70 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर की लाइन दीवार खड़ी करवा देता है। बेचारे हाथी वहाँ पे अटक जाते हैं, और वो बोलता भी है कि सदियों से उनके जो पूर्वज हैं वो उस रास्ते से आते थे, लेकिन अब वहाँ पे दीवार लगा दी। तो मतलब ह्यूमंस की वजह से एनिमल्स को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो ये स्टोरी एक काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक अवेयरनेस लेकर आएगी, एक अवेयरनेस के तौर पर इसको देखा जाएगा। तो जो स्टोरी है मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें पुलकित सम्राट भी हैं। पुलकित सम्राट को मैंने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, फुकरे सनम रे बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है, और आई डोंट नो वुलन का रोल कर रहे हैं शायद, या फिर उनका मुझे सही समझ नहीं आया। सो उनके गनवन दिखाया है, तो लेट्स सी उनका क्या रोल होगा एग्जैक्टली। बाकी स्टोरी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है यार सच में। एंड यार ये जो लड़ाई है राणा दग्गुपति की एलिफेंट्स को लेके, वो बाकी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि तुम भी इस तरह से लड़ाई लड़ो एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि अगर ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो मतलब कहाँ जाएंगे। सो बाकी लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, एक तरह से लीडर का रोल प्ले करते हैं सबके बीच में। और ये चीज़ इतना बड़ा रूप ले लेती है कि मतलब ये एलिफेंट से जंगल से लड़ाई इतनी बड़ी बन जाती है, पुलिस आ जाती है, मतलब इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, रिपोर्टर्स पहुँच रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए, और गोलीबाजी वहाँ पर हो रही है, गनवन चल रही हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ को लेके। सो मतलब अब मूवी में देखना ही है कि राणा दग्गुपति एलिफेंट्स को बचा पाते हैं, या फिर ह्यूमंस मतलब जो वो बिजनेसमैन वगैरह लोग हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, कि मतलब होता क्या है मूवी में, एलिफेंट बच पाते हैं, मतलब उनको अपना घर मिल पाता है या नहीं। सो ये जानने वाली चीज़ है जो हमें मूवी देखनी है। और मैंने जो एक और मूवी देखी थी ना जलीकट्टू, लिटरली अमेजिंग, इतनी जो स्टोरी थी ना, जो उसमें एक्टिंग थी एक्टर्स की, वो बहुत अच्छी लगी। सो मतलब वो भी पूरा जंगल वंगल में ही शूटिंग था, उसी तरह की दिखाई थी, ये भी उसी तरह की है। सो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ इस मूवी के लिए, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और मुझे काफ़ी मज़ा आया है स्टोरी देख के। आप लोग बताओ आपको ये सीन कैसा, ये स्टोरी कैसी लगी, ये ट्रेलर कैसा लगा है, और आगे किस चीज़ पर रिएक्ट करूँ, प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।